चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय चैनल सनाज शोज। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। माय यूट्यूब, माय क्यूट फैमिली। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेशियल लेके आई हूँ, जो आप ईद से पहले कर अपनी स्किन पर ग्लोइंग वाइटनिंग लेकर आ सकते हैं। तो ये बनाना फेशियल मैं आपको आज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे हम लोगों ने करना है। इसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बनानास, ठीक है। एक बनाना को आप लोगों ने खा लेना है जैसे मैंने खा लिया है, और दूसरे बनाना को हम लोगों ने जो है फेशियल के लिए यूज़ करना है। तो करना क्या है हम लोगों ने जो बनाना खा लिया है उसका जो छिलका है हम लोगों ने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इन पीसेस के साथ हमने क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने इसी तरह फॉलो करते हुए जो है इसी तरह छोटे छोटे से पीसेस कर लें, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे क्लिनजिंग के लिए। इसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग एंड मास्क, फेस पैक। ओके, तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो और दूसरे बनाना के साथ हमने जो करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। दूसरे बनाना को हमने उसका छिलका उतार लेना है और हमने इसका जो है अच्छे से मैश कर लेना है, इसका लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फोक की मदद से भी आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मज़े का जो पेस्ट रेडी हो गया है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जी करनी है क्लिनजिंग बनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है फेशियल से पहले क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग जो है हमारी फेस पर से डर्ट को रिमूव करता है। हम कोई भी मेकअप करें या कुछ भी फेशियल में कुछ भी स्टेप्स को करने से पहले हम लोगों को क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग पहले इस फेशियल में हम लोग को पहले क्लिनजिंग करेंगे। आप लोगों ने पहले अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इस अपना क्लिनजिंग फेस पर क्लिनजिंग करनी है। और आप लोगों को पता है जो क्लिनजिंग का स्टेप्स होता है वो 5 to 7 मिनट्स का होता है। 5 से 7 मिनट्स तक अच्छी तरह हमें सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करनी होती है ताकि जो हमारी फेस पर हमारे नेक एरिया पर जो डर्ट होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारी स्किन जो है वो साफ क्लीन हो जाए। तो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना है, किस तरह रेडी करना है। तो बातें अब करते हैं ख़त्म और अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे रेडी करना है। जी व्यूवर्स, ईद आ रही है, आप लोग जो है अच्छे से इस फेशियल को जो है बनाना स्टार्ट कर दीजिए, इसको यूज़ कीजिए ताकि जो है ईद तक आपके स्किन पर अच्छी अच्छी ग्लोइंग शाइन एंड आपकी स्किन जो है फ्रेश हो जाए। जी, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने लेना एक छोटा सा बाउल जिसके अंदर हमने इसको रेडी करना है और हमने इसमें ऐड करना है 1 स्पून जो हमने बनाना पेस्ट लिया था। आप लोग ये देख रहे हैं कि ये फ़ौरन से ही जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है बनाना। तो बस आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह जितना अच्छे इसका गाढ़ा पेस्ट होगा उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स भी होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है 1 टीस्पून बनाना पेस्ट। बनाना पेस्ट हमने इस बाउल के अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देना है हमने यहाँ पर। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस जिनकी स्किन पर सूट नहीं करता है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरी स्किन पर भी सूट नहीं करता है लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, चलें कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद आपको पता है कि रॉ मिल्क जो है हमारे फेस की कितने अच्छे से हमारे फेस को कितने अच्छे से क्लीन करता है। ये जो है नेचुरल क्लिनजर है। तो हमने इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड किया है, कच्चा दूध। आप लोगों ने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर जो हमने बनाना पील को कट करके रखा हुआ था उसमें हम लोगों ने इस जो पेस्ट है
बनाना पील पर लगा लेना है। सारे बनाना पील पर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेना है और इसकी मदद से ही हम जो है अपने जो फेस की क्लेंजिंग करेंगे। जी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने इसी तरह फॉलो करते हुए अपना फेशियल करना है। आप लोगों के साथ फेशियल आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, डेमो आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। और ये देखें, मैंने अपने साथ साथ अपने हैंड्स के साथ साथ मैं अपने फेस का भी कर रही थी, ताकि जो है अब इतनी मेहनत की है तो अच्छे से रिजल्ट्स ज़रा कुछ नज़र आए ना। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सिर्फ जो है 5 मिनट इसकी अच्छे से क्लिनजिंग की है और उसके बाद मैंने अपने हैंड्स को वॉश कर लिया है। और आप देख रहे हैं क्लिनजिंग करने से ये हुआ है कि जो मेरे हैंड्स की डर्ट्स थी वो रिमूव हो गई है, मेरे हाथ जो हैं क्लीन हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग आपको पता है कि स्क्रबिंग हमारे फेस पर से ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, हमारी जो फेस के अंदर जो डार्क स्पॉट और ब्लैक इनको जो है निकाल बाहर फेंकता है। तो स्क्रबिंग जो है फेशियल में लाजमी ऐड की जाती है। तो मैंने इसके अंदर जो है 1 स्पून शुगर ऐड किया है और 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर बनाना पेस्ट ऐड कर दिया है। मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से आप लोगों ने इसी तरह अपना स्क्रब रेडी करना है। और स्क्रब भी आप लोगों को पता है 5 से 7 मिनट तक हम लोगों ने इसकी क्लिनजिंग करनी है सर्कुलर मोशन में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है वो सॉरी राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा, तो राइस फ्लोर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन राइस फ्लोर जो है पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके अंदर 2 स्पून जो है जब आप ऐड करेंगे तो आप लोगों ने इसके अंदर 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून आप लोगों ने इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड कर देना है। अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। आपको बार बार कहा जाता है मिक्सिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी हमारी क्रीम्स की, हमारे फेशियल्स की, तो रिजल्ट्स भी हमें उतने अच्छे ही मिलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, अब इसी तरह मैंने आप लोगों ने फेस पर जो है 7 मिनट्स तक अच्छे से इसके स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में अपने चिन एरियाज पर, अपने नेक पर, नेक को आप लोगों ने कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नेक को इग्नोर करेंगे तो हमारे फेस का और जो हमारा नेक का है उसका कलर में डिफरेंस नज़र आएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने फेस की जब क्लिनजिंग करी हो तो नेक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, नेक की साथ साथ क्लिनजिंग कीजिए, तो ताकि हमारा एक जैसा कम्प्लेक्शन नज़र आए। यहाँ आप लोगों ने इसी तरह 5 से 7 मिनट तक अपने फेस की अच्छे से क्लिनजिंग कर लेनी है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप लोगों की क्लिनजिंग अच्छी और अच्छी होना ज़रूरी है और उतने टाइम तक जितने टाइम तक आपको बताया जा रहा है। ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनसे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को नज़र आएंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने क्लिनजिंग करने का, जब आप लोग 5 मिनट क्लिनजिंग कर रहे हैं तो आप लोग लेमन का जो छिलका होता है उससे भी इसकी ऐसे जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इस तरह की भी क्लिनजिंग इससे कर सकते हैं। अगर आप अपने हैंड से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इससे भी इससे ही होगा कि आपको पता है ये एक नेचुरल, ये इन्ग्रीडियंट ऐसा नेचुरल है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग फ्राम करता है। ये वाइटनिंग एजेंट होता है लेमन। लेमन हर किसी की स्किन पर सूट नहीं करता है, किसी की स्किन पर रैशेज लेमन की वजह से आते हैं, बर्न हो जाती है स्किन। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि मैं लेमन यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मेरी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। लेकिन मैंने बनाना के साथ जब इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो आप यकीन जानिए मुझे लेमन से कुछ भी इचिंग या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसी तरह आप लोगों ने 5 से 7 मिनट तक आप लोगों ने अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है। आप लोग देख रहे होंगे कि स्किन में शाइन आ रहा है, तो आप लोगों ने इसी तरह इसको फॉलो करना है। जी अच्छा, स्क्रबिंग करने के बाद अब आप हम लोग अपना रेडी कर रहे हैं फेस पैक। फेस पैक के लिए जो हमारा बनाना पेस्ट बच गया था वो है, वो हमने ले लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड किया है, 1 टेबल स्पून हमने इसमें मिर्च पाउडर ऐड किया है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी।
ये हमारा फेस पैक रेडी कर रहा है, मैं फिर रिपीट कर दूंगी। और ये जो है आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन टी, ठीक है, उसको उसका पानी जो है मैंने कुछ देर के लिए इसको रखा था ताकि मुझे, क्योंकि आपको पता है ये स्किन्स को हमारे ओपन पोर को जो है क्लोज करता है, तो इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है ताकि हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बनाना पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेसन, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है मुल्तानी मिट्टी, और अगर आप लोग चाहें तो चुटकी इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चुटकी, आप जो है हल्दी इसके अंदर ऐड कर दीजिए, आप चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी इस यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है क्योंकि स्क्रबिंग के बाद, स्क्रबिंग और क्लिनजिंग करने से मुझे कुछ इचिंग नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है जब आप बनाना फेशियल के साथ ये सब कुछ करेंगे तो इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ये आप लोगों का अच्छे से जो है पेस्ट डन हो गया है। अब आप लोगों ने इसको फेस पर अप्लाई करना है, नेक पर अप्लाई करना है, और बॉडी पर आप लोग जहाँ इसको अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं, इतने अमेजिंग हैं कि आप लोग इसके रिजल्ट्स देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों का, आप लोगों ने जब तक इसको रखना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। मैंने बीच में जो है जब इसको 7 मिनट्स 8 मिनट हो गए थे तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास टी मिल्क जो टी का मैंने ग्रीन टी का वाटर रखा हुआ था उससे मैंने अच्छे से जो है हाथ लगा कर क्लिनजिंग स्टार्ट की सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी। अब आप लोग देख सकते हैं ये मैंने 15 मिनट के बाद जब अपने हैंड वॉश किए हैं तो आप लोग देखिए इसके रिजल्ट्स कितने मज़े के हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं और आप यकीन जानिए फेस इतना मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है और जो ब्लैक हेड्स थे वो भी रिमूव हो गए, और सबसे बड़ा डार्क सर्कल जो है उसका एरिया जो है बहुत लाइट हो गया है। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग भी इससे पहले जल्दी जल्दी इस फेशियल को बनाइए और यूज़ कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर जैसा रिजल्ट्स आप लोग घर में ही पाइए। इतने अच्छे फेशियल के लिए तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और छोटू सा एक बेल आइकॉन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जी व्यूवर्स, तो आप लोगों ने देख लिया कि आज मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है फेशियल आप लोगों ने शेयर किया है। आप लोग ईद से पहले इसको ट्राई कीजिए, आप लोग हफ्ते में इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद आप इस फेशियल को ट्राई कीजिए घर में। थोड़ी सी चीज़ों से आप लोगों का इतना अच्छा फेशियल हो जाएगा, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो पार्लर्स में जो आप लोग इतने 5-5 हज़ार रुपये फेशियल्स के पे करके आते हैं तो वो भी आपके ज़ाया नहीं होंगे, घर में सिर्फ बनाना और घर की ही चीज़ों से इतना अच्छा फेशियल हो जाएगा। तो और आप लोगों को क्या चाहिए। जी तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।